नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत साल 2024 में चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं सीएम धामी ने बताया कि कार्यक्रम में 400 से भी अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने साथ ही ये कहा कि राज्य सरकार का एक महीने के भीतर 2900 से भी ज्यादा नियुक्तियां वितरित करने का लक्ष्य है। आज शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां विभिन्न विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहां सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। केदारनाथ में जिस तरीके से गति से काम हुआ तो वहाँ पे सड़क मार्ग भूल दिया है पैदल। हमारा पहले दिन से फोकस था कि जल्दी से जल्दी केदार घाटी की स्थिति सामान्य हो। जो 29 स्थानों पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के सभी संस्थान, हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, वहाँ पर तीर्थ रोहित समाज के लोग, केदार सभा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार सभा के लोग, सब लोगों ने मिलकर, सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर वहाँ पर इस आपदा से जल्दी उसको ठीक करने का अभियान लिया। सबने अपना सहयोग दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास कि जल्दी से जल्दी बाबा केदार की यात्रा और ज्यादा तेज गति से चले, उसके लिए जो भी हमारे रास्ते इत्यादि बन रहे हैं उन पर द्रुत गति से काम होगा। अभी जो वैकल्पिक मार्ग बने हैं उन मार्गों को और अच्छी तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि अब जो यात्रा चरम पर आने वाली है उस यात्रा में कोई व्यवधान न हो। उस पर हमारा काम चल रहा है। आंदोलनों के नाम पे जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को जो लोग खरीदते हैं, आप लोग किस कानून लाने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरह देखते हैं ये कानून? क्योंकि राज्य के अंदर राज्य का अपना एक कल्चर है, राज्य के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ का, उपद्रव का, आगजनी का कोई स्थान नहीं है। इससे राज्य के अंदर कोई भी दंगा न करे, किसी प्रकार से उपद्रव न करे, तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए दंगा रोधी कानून हम पहले जो है उसको लेकर आए थे, अब उसको एक्ट के रूप में विधानसभा में ला रहे हैं। राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र के लिए आपको बताते चलने की तैयारियां सभी पूरी कर ली हैं, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न मिल चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। 21 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, जहां पर 499 प्रश्न मिलने की जानकारी अभी तक दी गई है, जिस पर बातचीत होनी है और 99 प्रश्न की सूची पकड़ा दी गई है। 21 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा, विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है।
देखिए तैयारी पूरी है, विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ी सेन और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए, इसकी तैयारी हमारी पूरी है। और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है, जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें जिलाधिकारी धीराज सिंह गरबाल ने खड़खड़ी शमशान घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। शमशान घाट में प्रतिदिन औसतन 135 कुंतल लकड़ियों की भी जरूरत होती है, विशेषकर बरसात के दौरान सूखी लकड़ी मिलना कठिन हो जाता है। इस पर जिलाधिकारी ने खड़खड़ी शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने के निर्देश दिए। इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र बजट उपलब्ध कराया जाएगा और कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि डीएम ने शमशान घाट का निरीक्षण किया है, विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं ताकि लकड़ियों की जो जरूरत पड़ती है जिससे शवदाह करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आपको बताते चले कि डीएम ने शमशान घाट का निरीक्षण किया है, इस दौरान तमाम तरह के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। डीएम ने शमशान घाट का औचक निरीक्षण किया और साथ ही विद्युत शव दाह गृह स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि डीएम ने शमशान घाट का निरीक्षण किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे जो कि देहरादून से हैं। डीएम ने शमशान घाट का निरीक्षण किया है, तो सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंडी फिल्म का रुझान देखने को मिल रहा। मीठी मां को आशीर्वाद का प्रोमो रिलीज हुआ है, पोस्टर एवं प्रोमो रिलीज का आयोजन यहां पर किया गया है। कार्यक्रम शुरू करते हैं और मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान नरेंद्र कुमार गुप्ता जी, नरेंद्र कुमार गुप्ता से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। और निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी गरिमा में उपस्थिति आप पहुंच कर लाने की कृपा करें। हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह पर्यावरण को संरक्षित करना है तो हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे और ये पौधा अर्पित करते हुए श्रीमान नरेंद्र कुमार गुप्ता जी निवेदन करूंगा श्रीमान वैभव गोयल जी से, वैभव गोयल जी से निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
निवेदन करूंगा श्रीमान शीतेज सिंह से, माननीय राज्यसभा सांसद जी जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और आपका सानिध्य आज हमें मिल रहा है, श्रीमान नरेश बंसल जी से निवेदन है कि मंच की ओर करेंगे। साथ ही निवेदन श्रीमान शीतेज सिंह जी से कि माननीय सांसद जी को माननीय राज्यसभा सांसद जी का सम्मान इस कार्यक्रम में। कुलदीप रावत जी आपसे निवेदन है कि मंच को रुख करें, तालियां बजती नहीं, जब सम्मान मिलता है और तालियां उसमें मिक्स हो जाती है तो सम्मान का मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ा दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान दीपक नौटियाल जी से कि मंच को रोक करेंगे और माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी को मंच तक आने की कृपा भी करेंगे और उनका स्वागत इस कार्यक्रम में। एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी हमारे उत्तराखंड संस्कृति संरक्षण के लिए प्रयास कर, श्रीमान निखिल जैन साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वे मंच पर बने रहें। निखिल जैन जी से निवेदन रहेगा कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी का इस स्मृति चिन्ह के साथ ओपन ऑफ क्लब की याद आप हमेशा हमेशा जो आपके जहन में रहे। अंगवस्त्र के साथ आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत यादगार कार्यक्रम है, यादगार बार बार बता रहा हूं, बहुत सारी नई चीजें इस कार्यक्रम में होने वाली है। सूत्रपात होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री पर, गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री पर, क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री पर। मैं निवेदन करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर कांता प्रसाद इसके भी मंच पर बने रहेंगे और आमंत्रित करेंगे माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुबोध उनियाल जी को। जोरदार जाने बजे मंच पर आ रहे हैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुबोध उनियाल जी। कांता प्रसाद जी हमारे उत्तराखंड के बहुत ही प्रख्यात निर्देशक हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही निवेदन करूंगा शुभम अग्रवाल जी से कि आप भी मंच पर बने रहिए और इस कार्यक्रम की एक याद स्मृति के रूप में आपको पहुंचाएं। अंगवस्त्र के साथ आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका, जोरदार तालियां। सिद्धार्थ बंसल जी हमारे बीच में हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है कार्यक्रमों में। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थिति लेकर आएंगे। साथ ही निवेदन करूंगा श्रीमान निखिल जैन साहब से कि आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राजीव जी से मैं निवेदन, निखिल नाहर जी से निवेदन करूंगा कि सिद्धार्थ जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे और इस कार्यक्रम की एक सौगात स्मृति के सर आप बने रहें, सब बने रहें। सिद्धार्थ बंसल जी का स्वागत और इस कार्यक्रम की स्मृति आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंगवस्त्र के साथ आपका अभिनंदन इस कार्यक्रम में। अपने अतिथियों का हमने स्वागत किया, हमारे कुछ अतिथि अभी और शेष हैं जो अभी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। मीठी का नाम सुनते ही, क्योंकि बहुत एक साल से आप लोग सुन रहे हैं मीठी मीठी, और पहाड़ी मिलेट्स को ये बढ़ावा देने की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों को कहना था कि क्या देहरादून में कोई बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है जो पहाड़ी अनाज को प्रमोट करेगा, तो आज वो रहस्य खुल रहा है। मीठी बहुत सुंदर फिल्म है जो पहाड़ी अनाज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि हमारे जो पहाड़ी मिलेट्स हैं उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ें और सबसे पहला कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। फिल्म मीठी की झलक भी आपको दिखाएंगे, उसका टीजर भी रिलीज होना है, पोस्टर भी रिलीज होना है, तो मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा और
मैं तो कोई से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों को क्षण भर के लिए मंच के नाने की कृपा करेंगे ताकि आपके कर कमलों से आज सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच को करेंगे। मीठी का पोस्टर और पहली झलक मीठी हमें देखने को मिल रही है, पहाड़ी मिलेट पर आधारित और उसको केंद्र पर रखकर एक फिल्म बनाई गई है और हमारे माननीय अतिथि इस पोस्टर का लोकार्पण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय राज्यसभा सांसद आपके हाथों से आपके कार्यक्रमों से जोरदार तालियां, मीठी मां को आशीर्वाद। ये पोस्टर जोरदार तालियों से आपके बहुत अच्छा लगेगा। पोस्टर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की आज शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत की है कलर चेक फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने और ओटीटी को नाम दिया है वीडियो अलार्म। तो वीडियो अलार्म का भी करते हैं शुभारंभ। बच्ची रहे उत्साह बना रहे क्योंकि ये सब कुछ हमारे उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो रहा है और आप सब लोग उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। जो कार्य स्वागत करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है वीडियो अलार्म। अपनी बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का मंच आने के लिए। बजाते रहो आपको मीठी सुनने को मिलेगा तो खूब प्रचार कीजिए और कुछ ही दिनों में मीठी आपको देखने को मिलेगी। आइए अब बढ़ते हैं इसके टीजर की ओर। टीजर देखना चाह रहे हैं सब लोग क्योंकि इसके एक झलक पाने के लिए हम बेताब हैं। एक साल का ये रहस्य खुलने वाला है कि ये आखिर क्या बना रहे हैं वैभव गोयल जी। तो आइए इससे पर्दा हटाते हैं और सीधे टीजर की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा टीम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रिमोट पहुंचाने की कृपा करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से टीजर का शुभारंभ करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयत्नशील हैं उत्तराखंड की मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और एक क्लिक से आपकी शुरू हो रहा है टीजर और क्लिक शुरू हुआ जोरदार तालियां। खुशबूदार छाप लगे एक गड़बड़ है जो इस भी अपन उंगली जगह ले जाए जोरदार तारी एक बार फिर से। पहाड़ की वो बेटी, पहाड़ की वो बेटी जो पहाड़ी मिलेट को लेकर कहां तक पहुंची अभी देखने को मिलेगा। अभी आज के इतना ही। दो गीत में बहुत सुंदर गीत है, एक गीत गाया है हमारे उत्तराखंड की शान, उसकी घोषणा भी अभी मैं चाहूंगा कि वैभव गोयल जी खुद करें तो अच्छा लगेगा कि कब वो रिलीज कर रहे हैं फिल्म को। तो दो गीत बहुत सुंदर से गीत इसमें है, एक
गीत गाया है हमारे उत्तराखंड की शान पवनदीप राजन ने, किसी कारणवश आज हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए, उन्हें भी आना था। और दूसरा बहुत सुंदर सा गीत गाया है हमारे उत्तराखंड के ऐसे युवा लोक गायक ने जो आजकल आपके दिलों में बसते हैं, विवेक नौटियाल, जो उस गीत के झलक को आपको दिखा रहे हैं। विवेक कहां है, जल्दी से आ जाए। विवेक नौटियाल हमारी नई पीढ़ी के बहुत अच्छे गीतांग हैं, अगर हम पहाड़ी भाषा में बात करें। सुंदर सा गीत, और ये तो आपको पता चल गया कि इसकी जो पात्र है वो एक महिला पात्र है। इस कहानी को बेस किया गया है मिलेट्स पे, मीठी चरित्र पर ये पूरी कहानी केंद्रित है। तो अब आपको उसे बात देखने को मिलेगी। और वैभव जी ने मुझे कह दिया कि घोषणा कर दे कब रिलीज होगा, लेकिन मैं चाहता हूं सर आप इसी घोषणा करें। मुख्यमंत्री जी को पता चल गया है कि कब, अच्छा लिखा हुआ है, मैं ही नहीं लिख पाया। एक बार जोरदार तालियां सीएम साहब के लिए, बहुत पीछे लिखा हुआ है, उन्होंने पढ़ के मैं नहीं पढ़ पाया। तो 30 अगस्त को रिलीज हो रहे हैं। विवेक नौटियाल, एक बार जोरदार तालियां, बहुत सुंदर इन्होंने गाना गाया है। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।